अभी भी 16 किलोमीटर है और 25 मिनट बता रहा है और ये रोड की हालत आप लोग देख सकते हैं, कच्चा रोड है सारा। बस ही पहुंच ही आए हैं, तकरीबन 7 मिनट का रास्ता रह गया और ये चेक करें सामने। ये जी प्रैंक हो गया, हम गलत रास्ते पे आ गए थे। ठीक है, अभी शाह से मैंने जो है अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी जाना है अरेशा जी की तरफ, उनके गांव अतार में। ठीक है, उन्होंने हमारी इफ्तारी की दावत की है, हम सब की, जितने भी हम दोस्त हैं हम सब की। बस अभी फ़ज़ाइल आए, बाकी सारे भी आ रहे हैं, तो उसके बाद निकलते हैं। टाइम वगैरह पीछे बचा नहीं है, 5:30 हो गए। तो ये खान जी तो सबसे पहले पहुँच गए थे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? ठीक है। हां जी, बड़ी दाढ़ी शड़ी बनवाई है, क्या बात है। हमने कहा यार इससे पहले करवा ले, कोई नहीं खैर होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी भाई, ठीक हो? तो बस जी अभी सारे आए तो निकले, 5:40 हो गए हैं, 6:40-6:45 पे रोज़ा अफ्तार होता है। बस जल्दी से सारे आए फिर हम निकले, टाइम नहीं है, जाते जाते भी तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लाग ही जाएंगे। माशाल्लाह जी भाइयो, कैसे हो आप? ठीक हो भाई? देखो बैड न्यूज है, ये जो अभी थकले भाई इसकी मैं आवाज़ इसलिए बंद जो है कर रहा था, बंद कर रहा हूँ, बल्कि बंद कर दी है क्योंकि ये आपस में लड़ पड़े और बड़ी गाली गलौज हुई है। कोई मसला नहीं, इनको समझाओ, शादी ना किया करो भाई, है ये भाई है, ये हमारा जान है, देखो इसकी हम किस। ये तैयब ने न्यू गाड़ी ली है भाई, चेक करो। अभी कहता है इसको मॉडिफाई कराना, मैंने कहा पहले जो RX-8 मॉडिफाई करके खड़ी कर दी उसको तो निकालो, वो उस दिन फिर खराब हो गई थी, उस दिन फिर 1,00,000 रुपये का खर्चा आया है। तैयब भाई हेलो, हाउ आर यू? खराब हो गया गाड़ी का, किधर आगे आना है, इंटरव्यू आगे आना। खैर है यार, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, टायर नया मिल जाएगा। ओए हर जगह तुम अपना ड्रामा शुरू कर देते हो, अफ्तारी पे जा रहे हैं, इरा कुछ तमीज होती है बंदे में। बस पेड़ मार के तो पता पूरा हो गया, सही है ना, और आता ना अभी तो सब पता है, मैं पेड़ मार सा जी मुंह रात हो गई ना, तो अभी मेरे को बंदा। ओ बस है बस, ठीक है ठीक है। इधर दूर रह लेना यार, 6 हो गए हैं भाइयों, 6 हो गए, यकीन करो। अभी तक जो है फैजी जो है देर लगा रहे हैं, हम सारे तैयार हैं बस, ठीक है। फ़ज़ाइल गया हुआ है फैजी को लेने, वो देर लगा रहा है, वो बस आए निकलें तो लेट हो जाएंगे यार बस। तो अल्लाह खैर करे टाइम से पहुंच जाए, इस तरह मुनासिब नहीं लगता, बुरी बात है। शाह जी उधर वेट कर रहे हैं, उनके और भी काफ़ी मेहमान हैं। 6:05 हो गए हैं जी, बस निकल गए हैं। पीरो कितने टाइम लगेगा जाते हुए? पता नहीं अब मुझे, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लगे, 25 मिनट लग जाएंगे। और बात जल्दी पहुंचाओ जी, अफ्तारी कहीं रास्ते में ही ना हो। हेलो बॉयज, ये फैजी साहब घर से निकलते ही नहीं है, फ़ज़ाइल बेचारा घंटा खड़ा रहे घर के बाहर। चलो खैर अभी तो निकल आए जा रहे हैं। ये देखें जी रास्ता यहाँ पे घंटा कह रहा है और ऊपर 6:01, क्या बात है भाई। और तैयब भाई ये कौन सी ड्राइविंग करती हुई, रैश ड्राइविंग करती हुई। ओए शाह जी विसल ना मारो, ओ तैयब भाई क्या कर रहे हो यार ब्रो, हमने अफ्तारी पे जाना है। टैक्सी अड्डे पे बड़ी रश थी भाई, तो बस जा रहे हैं। टाइम हो गया 6:10 और अभी भी 25 किलोमीटर कह रहा है और 50 मिनट कह रहा है। बस उम्मीद तो है टाइम से पहुंच जाएंगे, तो जितना जल्दी मैंने सोचा था कि निकलेंगे जितना जल्दी पहुंचेंगे बस उतना ही लेट हो गया। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे रश देखें आप जरा, वो चेक करें। ये देख लें जी अभी भी 42 मिनट बता रहे हैं और 24 किलोमीटर। तो मेरा दिल है मैं दिशा का घर पास ही आते हो, तो ये भाई भी यही कह रहे थे मैं के घर जाते हैं तो थोड़ा सा इधर से खा लेते हैं, बाकी दावत उधर उड़ा लेंगे। ये बात है जी, डॉक्टर खैर जी अब रोड आगे जरा साफ है, जा रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है, टाइम से पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। ओहो पीरो यार, एक तो आप रैश ड्राइविंग करते हो तो मेरा फोन हो जाए ना हिल जाता है सारा। तो खैर होगी शाह जी, हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। 6:20 हो गए हैं भाई, रोजा खुलने में सिर्फ 20 या 19 मिनट रह गए, अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी 16 किलोमीटर है और 25 मिनट बता रहा है और ये रोड की हालत आप लोग देख सकते हैं, कच्चा रोड है सारा। तो बस टाइम बिल्कुल हमारे पास रह गया ऊपर, 6:33 हो गए, ठीक है, रोजा रास्ते में ही है भाई। ये आ गई पीरो सीमेंट फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री? सीमेंट फैक्ट्री। ओहो ब्लड, अच्छा ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री।
ओ घर जाओ है छोटे हो बाहर कितने फेर रहे हो सेक्टरी शाह का सेक्टरी पिछली गाड़ी में खान चौपर बस ही पहुंच गए हैं तकरीबन 7 मिनट का रास्ता रह गया और ये चेक करें सामने रास्ता अब साफ है और ये इस तरफ चेक करें ओहो इधर तो कमरे थी खैर फ्रैंक हो गया कोई नहीं जा रहे हैं भाई ये कोई बीच में हमने शॉर्टकट मारा है और ये देखें 7 मिनट का रास्ता रह गया है क्या बात है ये अरे शायद कार अफतारी दे ये जी प्रैंक हो गया हम गलत रास्ते पे आ गए थे ठीक है अभी शाह से मैंने जो है दोबारा लोकेशन मैंने जो है ये देखे पहाड़ों पे आ गया भाई पहाड़ों पे आ गया अवतारी करने चंगा प्रैंक हुआ यारा बस सारा कुछ आज खराब हो गया खैर कोई मसला नहीं यारा कर लेते हैं पहुंच लेते हैं ये चेक करें इधर व्यू भाइयों और ये हमारे जो लड़के हैं इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कहते हैं भाई कुछ पानी दे दो कुछ दे दो मैंने कहा खैर है यार 5 मिनट लेट से ही रोज़ा अफ्तार हो जाएगा उधर जाके करते हैं ठीक है अभी अजाने नहीं हुई अजाने होना शुरू होंगी तो एक दो जगह पे हो रही हैं बस ये पूरा जो टाइम है ना 7 बजे मगरिब की अजानों का टाइम है और 7:05 पे जमात होती है ठीक है बाकी आप जिधर जिधर से देख रहे होगे आप सब की अलग अलग टाइमिंग होगी इधर हमारी जो हमारा एरिया है इधर 7 बजे मगरिब की अजान होती है ठीक है और 7:05 पे 7:04 पे इस तरह जमात होती है तो बस खैर है अभी हो गया है 6:49 हो गए हैं तो हम गलत हो गए थे गलत ना होते तो अभी तक पहुंच गए होते खैर चलें कोई नहीं होता रहता है ये ज़िंदगी के मामलात है चलता रहता है खैर अरे इसकी बार बार काले आ रहे हैं और वो तला पीछे देख रहा है जी अगर रोज़ा लेट खोले मकरू तो नहीं होता ये देखें जी बिल्कुल सामने था ये सारी गलती गूगल की है ठीक है ये गूगल ने हमारा रोज़ा लेट करवाया है गूगल को आइंदा के बाद यूज़ नहीं करना बस ये देखें पहुंच गए हैं ये शायद ये इधर बाहर खड़े होके कहीं हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे ये इधर ही कहीं पास होगा ये यहाँ पे कहीं पास है ये आगे 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 पहुँच गए हैं हम तो गूगल पे आने के बाद भाई यकीन नहीं करना यकीन करें वो इधर पीछे भेज दिया उसने पीछे अब आपको पहले रोजा आप लोग खोल लें उसके बाद फिर अगली बात अच्छा जी उसके बाद अगली बात करते हैं मतलब का तो सख्त रोजा लगे ही रहा करनी पानी कोई नहीं यार एक मोड़ गलत मुड़ा जिंदगी का उसके बाद सारे मोड़ गलत हुए रोजा लगे ने मान लग रहा है यार आसान है खुले ही नहीं ये जरा नजदीक करो ये सब कुछ अरे इफ्तारी करो लगा हां ले गरम हो भाइयों सारे लोग चले गए हैं और हम जो है ना अभी अफ्तारी खा रहे हैं खैर कोई नहीं शेह जी आपकी मुहब्बतों का शुक्रिया साल मुझे भी भूखा मारा है खैर है कोई नहीं हाय 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 बोटियों वाले चावल स्वाद ही आ गया भाई अभी मैं खा लूं भाई उसके बाद फिर आपको बताता हूं ठीक है तीसरी प्लेट शुरू हो गई खान तो शर्म ही आ करो ये मेरी एक नहीं खत्म हुई है ओए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मजाक है कुछ मजाक है इससे पहले जो वीडियो है फजाइल भाई क्या चक्कर है कम कम क्यों खा रहे हो आप अफ्तारी कर लिया जी खैर है देर आए दुरुस्त आए तो शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक आपको और ज्यादा आप लोग का शुक्रिया जो आप आए लेकिन 30 मिनट लेट आए खैर है जी कोई नहीं वो मैंने वो आप ब्लॉग भी देख लेना मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाता हूँ वो हमें गूगल हमें गलत तरफ लेगा बस एक जिंदगी का गलत मोड़ हमने लिया मैं क्या बोल रहा तू यार ईशा जी नाराज हो रहे हैं कुछ नहीं यार तुमने 3 डिशे खाई हैं फिर भी अभी तुम खान बात सुनो खान बात सुनो क्या बात सुन मेरी बात सुन तेरा और इसका रोला था ना आपस में ठीक है तो ये भाई रमजान से पहले था रोला रमजान में खत्म शाह जी कैसा बंदा है जी इसका रोला था गहरत होती है यही बात है जाहिर भाई इसका रोला था जी ये शाह के साथ ठीक है तो
ये क्यों आया? ये क्यों आया? गुस्से में इसने इसीलिए तीन डिशे खाई हैं। मेरी बात सुनो, हमारी ना लड़ाई हुई है, हमारी थोड़ी बड़ी किसी बात से खत्म हो गई थी, मौके पे खत्म हो गई। खान का दिल इतना बड़ा है, हम बात दिल में नहीं रखते। खान है, नाम का खान है बस। बेस्टी ब्रांड ब्रांड एक मिनट ब्रांड गो गिरना अच्छा चल ये ना बना दे इस दम थोड़ा बोल सुना सुना चल सुना गिरना अच्छा गिरना अच्छा गिर के ओए बोलने तो दे ना जरा उसको सुनने तो दे जरा क्या कहता है चल ये रहा खान चल ये एक मिनट चलो स्टार्ट है हाँ गिरना अच्छा है औकात पता लगती है कौन है के साथ है वैसे ये बात पता लगती है ये शापर की औकात पता लगती है गो गिरना तेरी औकात में शापर में निकाल के दूंगा चलो यार चलो खान जी एक वीडियो एक सेकंड की होती है स्टार्ट हां 1 2 3 गो गिरना अच्छा है गिरना अच्छा हो जाए औकात पता लगती है इन जैसे शापरों की औकात नजर आती है यार तेरी मतलब किस किस की मारे हो यार मेहरबानी एक वीडियो बनाओ दो यार मेहरबानी है तो जैसे आया नहीं तू इतनी गल कर तू ये गल की थी क्या हर जगह तुम अपना आप दिखाया करो तुम दोनों बस दरवाजा का कर दो जरा दरवाजा का कर दो दरवाजा का कर दो कुछ नहीं होना ओए बंदे ने कार मम्मी इधर नहीं कर सकती मम्मी उधर जा इधर शॉट ओए अभी मारे का मजा नहीं आएगा चल ओए बंदा जब ये पहले मम्मी बड़ा बदला उस तो मत बात मम्मी क्या का बदला है तुम्हारी जगह पे मौके पे बाद में कोई बदला नहीं होता क्यों नहीं छोटी थोड़ी पकड़ के इधर से क्यों नहीं थोड़ी खाली पकड़ खाली मार मार ओए सीने पे नहीं ओए ये देख ना यार मम्मी पिछली बार भी तूने एक दिन बटन तोड़ा था इस बार फिर तूने एक दिन बटन बस जी हर जगह जाते हैं तो शुगल मेला अपना शुरू कर देते हैं बस अभी निकलते हैं ठीक है खाना पीना हो गया सब कुछ हो गया शुगल मेला भी हो गया बस अब निकलते हैं वापसी के लिए तो शाह जी इजाजत है फिर हमें तो ये लोग इस टाइम पे जा रहे हैं हाँ जी हम जा रहे हैं भाई अल्लाह हाफिज आए ना वो जरा गाड़ी की लाइटें शेडे मैंने देखी हैं आपने कोई लगाई हैं वो चेक कराएं जरा चेक करवा हाँ जरा शाह की गाड़ी की जरा लाइटें चेक करें उसके बाद हम निकलते हैं वापस काफी अच्छा लगा ठीक है चलो न्यू ब्लॉगर लो जी हमने कहा जी शाह जी की गाड़ी की वो लाइटें चेक करेंगे न्यू लगाई हैं अब गाड़ी चली गई है शाह जी हम भी निकलते हैं इजाजत दें लाइटें शाइटें फिर चेक कर लेंगे फिर पब्लिक को भी दिखा देंगे ओके साइड पे हो जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिस्टर शाह 786 ओए जी कोई टेंशन नहीं बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी वालेकुम सलाम फ्रॉम चाची ठीक हो कैसी सेहत भी है बस जी शाह जी हम निकलते हैं खुश रहें आबाद रहें दुआ में याद रखना जरूर यार शाह जी के व्लॉग देखा करो बहुत फिट होते हैं ओके चलो शहजादो चलो आज बस लंबे के साथ बहुत माड़ी हुई है खैर है रोज ही होती है कोई नहीं क्या यार खान के साथ बड़ी ज्यादा कार गए शाह जी ये क्या चक्कर है चंगा जी शाह जी ओके चल मम्मी बैठो जाने लगे हैं जी घर वापस तो ये था आज का व्लॉग उम्मीद है आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट करके लाजमी बताना व्लॉग कैसा था और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है उधर भी फॉलो कर लेना दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़